ऐसे वक्त में जब बिल्कुल मतदान होना है, लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान है, मंत्री का बेटा बाहर आएगा और विपक्ष से मुद्दा बनाएगा, फिर आप जनता को क्या कहेंगे कि किसानों को अगर रौंदा गया तो किसने रौंदा? फिर अगर मंत्री के बेटे ने नहीं रौंदा, अगर एसआईटी कह रही कि साजिश हुई और साजिश मंत्री के बेटे ने रची, तो फिर किसने रची वो साजिश? जनता तो बहुत यही बढ़िया पूछेगी ना प्रश्न, आपसे। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, ये चीज लोकल जो इलेक्शन प्लानिंग हो रही है वो टीम बता पाएगी। देखो जी, आप ये कह रहे हैं कि हम जो कैंपेन जो देख रहे हैं वो देखेंगे, लेकिन वोट मांगने तो आप भी जाएंगे ना। कोई आपको खड़ा होकर ये पूछ रहे कि वैभव जी आप बताइए कि अगर मंत्री के बेटे ने नहीं रौंदा किसानों को, तो किसने रौंदा? वो कौन आप था बिल्कुल शख्स? ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक प्रश्न कह रहे हैं, लेकिन इस बात का मैं जवाब आज इसलिए नहीं दे पाऊंगा, और मैटर सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट केस जारी है, मेरे को नहीं पता है। नैतिकता के आधार पर मंत्री के बेटे को लेकर अगर बात कर रहे हैं आप, तो मंत्री का इस्तीफा तो लेना आपके हाथ में था कि नहीं? अरे अगर जरूरी होगा तो वो भी होगा, ये मैं अपनी पिछली वाली डिबेट में भी बोल चुका हूं, अगर जरूरी होगा तो वो भी होगा। और खासतौर पर किसान तो यही कह रहे हैं ना कि पिता का इस्तीफा नहीं हुआ और बेटे को जमानत मिल गई। अब देखें, इसमें इसमें दो ही बातें हैं, इसमें दोनों ही बातें हैं। देखिए, एक तो बेटे की गलती पिता क्यों भुगते, पहली बात, सिक्के का एक पहलू है। इस पूरे मसले को जी, लेकर आपको लगता है कि बीजेपी ने सेल्फ कॉल कर दिया, जो आरोप अब लगा रहे देखिए हैं? मैम, आई थिंक ये जरूरी है इस बात को देखना कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, जुडिशियल मसला है, इसमें राजनीति की आप बात लोगों के लिए राहत है कि नहीं? जहां यानी तक कि बेटे पार्टी को की अगर बात, जमानत कोई मिली, राहत की बात नहीं है। आपके ब्रांड एम्बेसडर लखीमपुर में यही रहेंगे ना, मंत्री के बेटे? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये रहेंगे, इनका नाम कहीं नहीं है लिस्ट में, ना आपको अफसोस है उनके बाहर आने मंत्री का? का नाम है ना इनके बेटे का नाम है, लिस्ट में नाम ही अगर नहीं है। मंत्री को अफसोस हुआ, उनको बेल मिल गई, आपको मेरे को अफसोस की बात नहीं है, मेरे को अफसोस अपनी नहीं है? जुडिशरी में अफसोस और खुश होने की बात ही नहीं है, उसमें मेरे को जुडिशरी में विश्वास है। खुशी दुबे का नाम सुना है आपने? लो, नहीं, मैंने नहीं सुना, खुशी दुबे का, नहीं मैंने नहीं सुना। विकास दुबे का बहुत कोई नाम बहुत सुना है सर? धन्यवाद। विकास दुबे का। खुशी दुबे क्यों जेल में है? वो कह रहे हैं कि वैभव जी प्लीज सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा खुशी दुबे जेल में क्यों है। कह रहे हैं हम भाई लोगों साहब, को नहीं मानेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, यदि वो जेल में है तो इसमें सरकार का क्या लेना देना है। मैं एक्स वाई जेड किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कानून के छात्र हैं आप, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कानून का ज्ञान चाहिए। कोई शख्स जिसका तहरीर में नाम हो, तहरीर में, एफआईआर में नहीं कर रहा, तहरीर में नाम है, वो आरोपी है, चार्जशीट दाखिल होती है, 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो जाती है, और आरोपी से 1 घंटा, 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड भी पूछताछ नहीं होती। क्या ऐसा संभव है देखिए, कानून के नजरिए? बढ़िया प्रश्न है आपका और जेन्युइन प्रश्न है, और मैं आपको बताऊं, मेरे को 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको एक लॉ के हिसाब से देखा जाए, क्रिमिनल लॉ में पूरा प्रोसेस है, तो अगर आप ये केवल इतना देख रहे हैं कि पूछताछ नहीं हुई, तो उसका एक रीजन उसमें लिखा होगा कि उनसे, आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। हो सकता है हमें नहीं पता है, हमने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है, चार्जशीट पे ये लिखा हो कि उनसे वीडियो पे कॉल किया है, फोन पे बात हुआ है, जो भी हुआ है अपने को नहीं पता, लेकिन ये यानी इन्वेस्टिगेशन आप के ये कह रहे कि दौरान मंत्री से पूछताछ हुई होगी? ओके, हुई होगी, हो सकता है, अपन ने चार्जशीट पढ़ी नहीं है ना, अपने को कैसे पता चली ना चला। वैभव जी तलवार तो चली ना, कत्ल तो हुआ ना कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और वो चल रही है इन्वेस्टिगेशन।